सीरीज आपके सामने है। आज ये देखना है कि आप कितने में से कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं और कितना बेहतर आपके पर्यावरण की तैयारी है। आज की सीरीज आपके सामने है। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा जहाँ पे है, निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? बाघ राज्य, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य को हम बाघ राज के नाम से जानते हैं। जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, सभी साथी जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करें। देखिए, मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही जवाब है। बाघ संरक्षित राष्ट्रीय पार्कों की संख्या सबसे अधिक यहाँ पर है। यहाँ पे कुल 11 राष्ट्रीय पार्क हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो 5 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। आरक्षित क्षेत्र हैं जिसमें कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पिंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लें। अगला है, भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करें और दिए गए प्रश्न का जवाब दें। सभी साथी जल्दी कमेंट बताइए। देखिए, आप लोगों ने लगभग लगभग इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। वीडियो को शेयर करिए अपने सभी साथी मित्रों को, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथी मित्र भी सिलेक्शन लें। तो प्रश्न का उत्तर होगा 1952। भारत सरकार ने पहली बार नीति 1952 में जारी की। इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1894 में वन नीति घोषित कर चुकी थी। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति को संशोधित किया गया, जिसमें वनों की सुरक्षा संरक्षण विकास पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 33% वन क्षेत्र भारत में होने चाहिए, इसके लिए लक्ष्य रखे गए। इसका सही उत्तर जो होगा ए, राइट आंसर है। अगला सवाल आपके सामने है, इनमें से कौन है वो विटामिन जो शरीर में एक मात्रा से अधिक संचित हो जाए शरीर के लिए हानिकारक होता है? माने आवश्यकता से अधिक संचित हो जाए तो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, कौन सा है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ज्यादा होने पर अति विटामिनता हो जाती है, कमी से भी दिक्कत। देखिए, इसे विटामिन ए की अधिकता से खोपड़ी की हड्डी कमजोर होने लगती है, धुंधली दृष्टि, यकृत कमजोर हो जाता है। अब विटामिन डी की अधिकता से कैल्सीकरण हो जाता है। मतलब आप इस प्रश्न का उत्तर ए और डी होगा। जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? दिल्ली की कमेंट कर बताइएगा। देखिए, मतलब अगर कहने का मतलब ये, जैसे ये आपकी क्षेत्र है कोई रिफ्ट वैली वाला, मान लीजिए क्षेत्र आ गया, इसे कहते हैं रिफ्ट वैली। क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा है, ताप्ती है और कौन सी नदी है? दामोदर। भारत की तीन ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से बहती हैं। ठीक है,
रिफ्ट वैली से बहती हैं, और नर्मदा नदी ज्वार नदमुख बनाती है, अरब सागर में गिरती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अगला सवाल, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि? जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। शेयर जरूर करिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि सीरीज काफ़ी मज़ेदार है आपकी पर्यावरण की, चाहे इसे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे, जहाँ भी देख रहे हैं उन सभी जगह शेयर करिएगा। देखिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि ये बारहमासी नदी है। जी नहीं, अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, अधिक मृदा अपरदन होता, इससे प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। मतलब दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, यह नदी वर्षा ऋतु में बाढ़ आने के कारण भयंकर तबाही मचाती है। इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। दामोदर नदी आगे जाकर हुगली नदी में मिल जाती है, जिसमें हुगली नदी में मिल जाती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करिए। माना हमारा भारत हो गया, ठीक है, काम चलाओ, भारत है। अभी बताना है कि कौन सा उद्गम भारत के बाहर हुआ है। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये संगपो नाम से यहां से निकलती है, ठीक है। अब यह तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास मानसरोवर झील है, राकेश ताल से निकलती है और फिर आके भारत में प्रवेश करती है दिहांग के नाम से। दिहांग और आगे आती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और आगे जाता है तो जमुना, फिर नीचे से यहाँ पे आके मिल जाए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह ब्रह्मपुत्र होगा। तिब्बत में से सांगपो कहते हैं, चीन में से सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहते हैं, असम में जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 2900 किलोमीटर है कुल लंबाई। भारत में अगर देखा जाए 1346 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। बांग्लादेश में से जमुना कहते हैं, बांग्लादेश में से जमुना कहते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगला, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा है? देखिए, अगर मैं फिर से एक छोटा सा मैप ड्रा करें, माना ये हमारा भारत हो गया, तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ किसकी किसकी सीमा लगती है? तो हम ये देखेंगे भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन, म्यांमार के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनती है। अरुणाचल प्रदेश की अगर स्थापना देखा जाए तो 1987 में हुई थी, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी ईटानगर है, इसका जनघनत्व 17 है। यह असम और नागालैंड के साथ सीमा बनाती है। लोहित यहाँ की प्रमुख नदी है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु भी यहाँ मिलती है। हार्नबिल पक्षी यहाँ का राजकीय पक्षी है, राज्य पशु ग्याल है। यहाँ पे 2013 में रेलवे लाइन पहुँची तथा रंगपा पहला स्टेशन बना, रंगपा स्टेशन। पहला बना, ठीक है। मांझली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? हमने बताया ब्रह्मपुत्र नदी संगपो नाम से मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन जब भारत में प्रवेश करती है
तो देहांग घाट से प्रवेश करते हैं और वहाँ पर उसका नाम देहांग हो जाता है। फिर और आगे चलती असम में, असम उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजली बनाते हैं। यहाँ पे गाद जमा होने के कारण इसका निर्माण होता है, सरकार इसके संरक्षण का प्रयास कर रही है। यही ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पर सुबनसिरी नदी से मिलती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रियाशील कृषिगत भूमि को कुछ वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ने को किस नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, सक्रिय प्रति स्थानांतरित जीवन निर्वाह कृषि क्या कहेंगे? जी हाँ, प्रति भूमि इसका सही जवाब है। क्या होगा? प्रति भूमि होगा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में सबसे अधिक वन अनाच्छादन किस राज्य में? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके। देखिए, अगर क्षेत्रफल देखा जाए वन के हिसाब से, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तो जी हाँ, मध्य प्रदेश सही जवाब। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले पे ये है और दूसरे, पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पर छत्तीसगढ़ है, चौथे पर महाराष्ट्र है। ठीक, क्लियर। अगला, कोरल रीफ को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने किस एक समुद्री क्षेत्र को मरीन पार्क घोषित किया? जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइएगा, जितने लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, फटाफट कमेंट करिएगा सभी लोग। कोरल रीफ को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने किस एक समुद्री क्षेत्र को मरीन पार्क घोषित कर दिया है? फटाफट कमेंट करिए। कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह, मन्नार खाड़ी, अंडमान समूह। जी, आप लोगों ने एकदम सही बताया, कल इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कोरल रीफ कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। जैव विविधता क्या है? जितने भी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करें, जैव विविधता क्या है? जल्दी नहीं कमेंट करिए, जैव विविधता क्या है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक जंगल विभिन्न प्रकार के पादप तथा जीव, कई जंगलों विभिन्न प्रकार के पादप और जीव, एक जंगल में एक ही प्रजाति की विशाल जनसंख्या, उपरोक्त सभी सत्य हैं। बताइए, देखिए, जैव विविधता अगर हम बात करें तो जैव विविधता के एक क्षेत्र विशेष में एक ही समय विभिन्न प्रकार के जीवों तथा पादपों का निवास तथा उनका अपने पर्यावरण के साथ अंतर संबंध क्या होगा? ध्यान से बताइए, एक जंगल विभिन्न प्रकार के पादप तथा जीव, कई जंगल विभिन्न प्रकार के पादप और जीव, एक जंगल में एक ही प्रजाति की विशाल जनसंख्या, क्या होगा बताइए? जी हाँ, उपरोक्त सभी। एक जंगल विभिन्न प्रकार के पादप तथा जीव, कई जंगल विभिन्न प्रकार के पादप और जीव, एक जंगल में एक ही प्रजाति की विशाल जनसंख्या, और अगर ऐसे देखा जाए कॉमन रूप से तो ए वैसे होता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। मक्का किसका अच्छा स्रोत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। मक्का, स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज, किसका? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए, मक्का किसका स्रोत होता है?
देखिए आप इस प्रश्न का अगर उत्तर देखेंगे, सही उत्तर जो है आपका, वो आप लोगों ने बताना शुरू किया, सही जवाब आ रहा है वो है आपका स्टार्च। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसेकेराइड इकाई है, जहाँ ग्लूकोज के अणु आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। भारत में राज्यों के राज्यपाल के लिए कम से कम कितनी आयु है? जल्दी कमेंट करिएगा, ऑनलाइन क्लास या नोट्स के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा एन से आप सभी के लिए मेरे द्वारा निःशुल्क लाइव चल रही है। देखिए राज्यपाल नियुक्ति के लिए, राज्यपाल हो राष्ट्रपति हो, तो कितना है बताइए, जल्दी कमेंट करिए सभी लोग। देखिए यहाँ पर ये है आपका लोक व विधानसभा, यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये हो गया विधान परिषद और राज्यसभा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। ठीक, क्लियर। 35 वर्ष राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा वो भारत का नागरिक हो, विधानसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे इनके लिए उपराष्ट्रपति, अधिकतम सीमा नहीं, न्यूनतम सीमा की बात की गई है। ठीक है, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य हैं? जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम संसद का इसका गठन जो हुआ था, ये परीक्षा पूछा जाता है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन इसी समय हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पंडित नेहरू थे। इन सदस्यों की संख्या 296 थी। कितना था? 296। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ए होगा। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 60 क्या है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में है, भारत का उपराष्ट्रपति 63 में है। अब बताइए इसमें से क्या ए और बी में? तो यहां पर होगा राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है। यदि दुर्भाग्य या संयोग बस मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो होगा वह भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका बी है, बी राइट आंसर है, बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया था? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी फटाफट कमेंट करें। देखिए ये बार बार पूछा जाता है, केसी वेयर भारतीय संविधान को असंघीय रूप में बताया है। यह व्यवस्था एक संघीय प्रणाली है, भारतीय संविधान का झुकाव एकात्मक के प्रति अधिक है। यहां पर एक प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बच्चों के पर्यावरण के संबंधी ज्ञान
कि जांच के लिए सैद्धांतिक तरीकों का उपयोग संभव नहीं है। अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। बताइए इसमें से कथन सही कौन सा है? सही कथन ए, बी, दोनों या दोनों नहीं? देखिए इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी आप लोग को। देखिए ए और बी दोनों, माने सी प्रश्न का राइट आंसर है, सी प्रश्न का सही जवाब। यहां पे देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, अगला, किन प्रश्नों के द्वारा बालक के पर्यावरण संबंधी ज्ञान को परखा जा सकता है? जंगल किसके लिए लाभकारी है? जंगल से हमें क्या प्राप्त होता है? खेतों से हमें क्या प्राप्त होता है? जल्दी कमेंट करिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे। ये भी बच्चों से पूछेंगे क्या, सारे बच्चे जवाब देंगे, जंगल हमें क्या प्राप्त होता है, खेतों से हमें क्या प्राप्त। इसलिए ए बी सी अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर है डी, डी वालों का सही जवाब है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चुनारगढ़ में अनुवेदिका जिनकी क्या है, आदि शंकराचार्य की है, वृद्धिहरि की है, चैतन्य महाप्रभु की है, रामानंद की है, किसकी है? देखिए यहां पे सुनवा मंडप, बामन खंबा, सौरघड़ी, वृद्धहरि की समाधि है। ठीक, वृद्धहरि की समाधि है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है, किस ऋषि को? उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किसे समर्पित है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए। जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूपी स्पेशल का है, व्यास को। यहाँ पे यह पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ के महीने में अगस्त, जून से अगस्त के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू इस पर्व को महान संत व्यास की स्मृति मनाते हैं, जबकि बौद्ध इसी दिन को भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं, जिन्होंने इसी दिन सारनाथ वाराणसी में पहला उपदेश दिया था। ठीक है, इसका सही जवाब हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी। जल्दी फटाफट कमेंट करें, यूपी स्पेशल का महत्वपूर्ण क्लास है, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। देखिए आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या क्या है, यह पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिए। जी हाँ, 9 इसका राइट आंसर होगा, 9 वालों का सही जवाब है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद की सीमा नहीं बनाता, ये सारे यूपी स्पेशल के सवाल हैं। देखिए इलाहाबाद से चित्रकूट लगा है, जौनपुर जनपद लगा है जहाँ से मैं हूँ। ठीक, उसके बाद संत रविदास नगर भी जुड़ा हुआ है जिसका नाम भदोही है।
और सोनभद्र लेकिन नहीं जुड़ा हुआ। सोनभद्र तथा इलाहाबाद के बीच में मिर्जापुर पड़ता है। इलाहाबाद के चित्रकूट है, रीवा है, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, ये सारे जिले लगे हुए हैं। ठीक है, लाल मिट्टी पाई जाती है, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। आगरा मथुरा, एटा मैनपुरी, मिर्जापुर झांसी, सीतापुर बाराबंकी। चलिए यहां पे ध्यान से देखते हैं हम लोग, मिर्जापुर मिर्जापुर तथा झांसी में यह पठारी भाग होता है, दो प्रकार का, परवा और रक्कर। परवा हल्की बलुई होती है, बलुई चिकनी होती है, जबकि रक्कर अपक्षारित मिट्टी होती है। ठीक है जी हाँ, यहाँ पे पठारी होती है। लाल मिट्टी झांसी मंडल, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। ऊपरी पठारी भागों में मिलती है, दो प्रकार की होती है, परवा और रक्कर। परवा हल्की बलुई होती है या बलुई चिकनी होती है, रक्कर अपक्षारित मिट्टी होती है। ठीक है, जैविकता क्या है, ऊपर अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था, ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक, अगला अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्णशीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, आज का आखिरी प्रश्न है। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। घर बैठे ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए इस नंबर पर ई लर्निंग भी दुर्गेश का है, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। मेरी क्लासेज आप लोग को लगातार मिलती रहेंगी, अन्य सभी क्लास के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा बिना स्पेस दिए, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग भी दुर्गेश पर। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग भी दुर्गेश है। नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद जवाब दीजिएगा। अहम सभी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर नंदा देवी की बात करें अगर आप, तो नंदा देवी नेशनल पार्क हिमालय पर्वत श्रृंखला में है और उत्तराखंड राज्य के चमोली व पिथौरागढ़ जिले में है। इसके ऊपरी भागों में अत्यधिक शीत पड़ने के कारण आर्कटिक प्रकार की जलवायु मिलती है। यहाँ पर मिश्रित शंकुधारी, मिश्रिन, पर्णपाती वन और अल्पाइन भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम कंचनजंगा की बात करें, अगर हम कंचनजंगा की बात करते हैं, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित सिक्किम में है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। यहाँ की जलवायु आर्कटिक प्रकार की है। यहाँ पर एक अल्पाइन वनस्पति मिलती है, उप अल्पाइन। इसके बाद अगर हम नेवरा नेशनल पार्क की बात, नंदा देवी हो गया, नेवरा की बात करें अगर हम, नेवरा वैली नेशनल पार्क, यह नेशनल पार्क पश्चिमी भूटान से लगी है, भारतीय सीमा में है। यहाँ पर उस उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ मानसून के समय भारी वर्षा होती है। यहाँ तराई व भाभर के वन भी आद्र पर्णपाती पाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो आपका सही है, नामदफा नेशनल पार्क, यह अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पूर्वी हिमालय की सभी भौतिक विशेषताएं पाई जाती है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण आर्कटिक प्रकार की पाई जाती है, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह आपका डी है। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज की सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी तरह जुड़े रहिएगा। अगली क्लास पे जुड़े रहने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग भी दुर्गेश है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये प्रश्न का जो लेवल था वो थोड़ा सा अलग होता है, ताकि परीक्षा में जो सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं की सीरीज हम आपके लिए लेकर आते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्लास में बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सरकारी शिक्षक बनना है ना, तो अंत तक बने रहिए और शेयर जरूर करिएगा।